अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट को जार फाइल में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर का, तो इसको किस तरह से आप जार फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च कर लें जावा, यहाँ पर आपने सर्च कर लें जार, रनेबल जार भी बना सकते हैं आप और जार भी बना सकते हैं। मैं रनेबल जार बनाऊंगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट रिक्वायर लाइब्रेरीज इनटू अ जनरेटेड जार पे टिक करके और फिनिश कर देना। ठीक है, बस पहले बनी हुई थी एक जार फाइल, उसी के ऊपर जो है वो आप ओवरराइट हो रही है, तो मैं यस कर दूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके भी जार फाइल किस तरह से रन हुई। ये मेरी जार फाइल बन गई है, इसको किस तरह से रन करना वो मैं आपको बताता हूँ। सीएमडी में जाना है, सीएमडी में आने के बाद कमांड लिखनी है जावा नेगेटिव जार, ठीक है, और आगे फाइल करनी है ये फाइल, ठीक है। और ये मेरी जो है कैलकुलेटर ऐप जो है वो चल रही है। आप भी इस तरह से जो है वो जार फाइल बना सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। अगर कोई बात समझ ना आई हो कमेंट करें नीचे और चैनल को सब्सक्राइब करें।